दोस्तों वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Realme 43 इंच 4K Android TV और Motorola Revou 43 इंच 4K Android TV को। दोनों टीवीज के अंदर काफी सिमिलरिटीज हैं, दोनों के अंदर Android 10 आता है और दोनों के अंदर हार्डवेयर भी काफी हद तक सिमिलर है। चलिए वीडियो में हम देखेंगे दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा टीवी बेटर है। ऐसे कोई भी टीवी परफेक्ट नहीं होता, आपको वो टीवी लेना चाहिए जो आपके लिए ठीक है, जो आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर दे। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा टीवी बेटर है, कौन सा टीवी आपको लेना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लुक से। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों Realme टीवी लुक वाइज अच्छा है, आजकल ज्यादातर टीवीज का लुक इसी तरह का होता है, लेकिन Motorola Revou का लुक थोड़ा सा बेटर है। इसमें साउंड बार डिजाइन है और वो थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। तो चलिए हम YouTube में एक वीडियो प्ले करते हैं। आप ऊपर HDR का आइकन देख सकते हैं, YouTube में ये HDR सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो चलिए हम Realme टीवी में सेम वीडियो प्ले करते हैं और यहां पर भी YouTube में HDR सपोर्टेड है। लेकिन Realme TV के अंदर हल्की सी रेडिश टोन है और मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है। और इसको देखने के बाद Motorola TV हल्का सा ब्लूइश लगता है। Realme TV का अगर हम ब्लैक वीडियो प्ले करते हुए एक पिच डार्क रूम के अंदर फोटो लेंगे तो कुछ इस तरह का फोटो आता है, और सेम कंडीशंस में Motorola TV का पिक्चर कुछ इस तरह का आता है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वो कुछ इस तरह का भी लग सकता है। तो कंपनीज इसको ब्लीडिंग नहीं मानती हैं, लेकिन ब्लैक कलर यूनिफॉर्मिटी इन दोनों टीवीज की उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो Motorola Revou टीवी के जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी हद तक परफेक्ट हैं, और आप किसी भी एंगल से टीवी देखेंगे आपको कोई भी कलर फेडिंग या कलर शिफ्ट दिखाई नहीं देगा। और Realme टीवी के व्यूइंग एंगल्स भी एकदम परफेक्ट हैं, आप इस टीवी को भी किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो व्यूइंग एंगल्स में ये टाई है। चलिए अब हम देखते हैं किसकी ऑडियो बेटर है। दोनों टीवीज के अंदर 24 वाट के स्पीकर आते हैं और दोनों टीवी की ऑडियो अच्छी है, लेकिन Motorola टीवी की साउंड में वोकल्स ज्यादा क्लियर हैं और बेस भी बेटर है, तो ऑडियो में Motorola थोड़ा सा बेटर है। अगर हम इन दोनों टीवी की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं यहाँ पर प्ले स्टेशन पोर्टेबल वाला NFS मोस्ट वॉन्टेड ट्राई कर रहा हूँ।
पुराने एंड्रॉयड टीवीज के अंदर ये गेम स्मूथली नहीं चलता था, लेकिन रियलमी टीवी के अंदर ये गेम अच्छे से वर्क कर रहा है और यहाँ पर कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और मोटोरोला रेवो टीवी के अंदर भी इसका गेम प्ले स्मूथ है और यहाँ पर भी कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है, तो इन दोनों टीवी की गेमिंग परफॉर्मेंस भी सिमिलर है। लेकिन रियलमी टीवी के साथ में कुछ गेम पैड्स का सपोर्ट ज़्यादा है, जबकि मोटोरोला टीवी के साथ में बहुत सारे गेम पैड वर्क नहीं करते, तो गेमिंग में रियलमी टीवी के पास एक एज है। और जब हम मोटोरोला टीवी को ऑन करते हैं तो वो हमेशा लाइव टीवी सोर्स पर बूट होता है। होम स्क्रीन पर जाने के लिए आपको रिमोट में होम का बटन प्रेस करना होगा, जबकि Realme TV को जब भी हम ऑन करते हैं वो उस सोर्स पे ऑन होता है जो आप प्रीवियसली देख रहे थे। अगर आप टीवी के अंदर कोई ऐप यूज़ कर रहे थे तो टीवी होम स्क्रीन पे ऑन होता है, और अगर आप लाइव सोर्स यूज़ कर रहे थे तो टीवी उसी लाइव सोर्स पे बूट होता है। तो बूटिंग में Realme TV बेटर है। और Realme TV के अंदर हमें हैंड फ्री वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, जिसे आप टीवी को बिना रिमोट के भी ऑपरेट कर सकते हैं। हे गूगल, Turn on TV. All right, turning the Realme Smart TV on. Hey Google, HDMI 1. Hey Google, close. Hey Google, turn off TV. Okay, turning off the Realme Smart TV. लेकिन फर्स्ट टाइम ऑन करने के लिए आपको रिमोट की जरूरत पड़ेगी। जब टीवी स्टैंड बाई मोड में ऑफ होता है तब आप उसको हैंड्स फ्री ऑन कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों टीवी में से मुझे एक टीवी चूज करना होगा तो मैं Realme TV चूज करूंगा, क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी मुझे बेटर लगी, इसके अंदर ज्यादा गेम पैड्स का सपोर्ट है और इसके अंदर हैंड्स फ्री वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है। तो Motorola TV बुरा नहीं है, लेकिन ये उससे बेटर है। इन दोनों टीवीज को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।